गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। और इतने दिन गर्मी के बाद आज बारिश आ गई है, पहली बारिश, और हम पहली बारिश कभी मिस नहीं करते हैं। और आज फिर निकल गए हम बारिश जैसी हुई घूमने के लिए, और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और आपको भी दिखाता हूँ मौसम कैसा हो रहा है, ये देखिए कितना ही सुंदर मौसम, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखो पेड़ देखे जा रहे हो भाई साहब, मस्त हो रहा, मस्त एकदम राजेंद्र। अरे दिल्ली की पहली बारिश है गाइस, दिल्ली की पहली बारिश, मजा आ गया भाई। पहले तो मैं थोड़ा सा भीगा, पर फिर दोबारा बंद होगी, फिर दोबारा पड़ गई है। और दिखाता हूँ आपको, देखो ये भी देखो, डियर पार्क की दिखाएंगे अभी, डियर पार्क अभी जा रहे हैं, उधर को ही जा रहे हैं, अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से दिखा देंगे। बस और हम आगे डियर पार्क के रोड पर देखिए क्या जंगल दिखा रहे, कितना सुंदर, बहुत सुंदर सा लग रहा है ये। आज ना पेड़ पौधों में जान आ गई है, अरे अरे तो हो गए, और बारिश है ना, और बारिश हो रही है। अगर अभी एक डेढ़ घंटा और जम के हो जाए ना, ये सारे पेड़ ये बोल उठेंगे, इनके सबकी मट्टियां उधर जाएंगी बेचारों की। मोर भी बोल गया, मोर भी यहाँ पे, मोर भी है, बोल रहे हैं इस जंगल में ना, मोर है, जंगल का है पूरा। बड़ी हो रहा है एकदम, बढ़िया जहर और हम अभी दिनेश आ जाता तो डियर पार्क चलते, देखते ही फोन करेगा उतना हम खाना खा के आ जाएंगे। और गाइस हम आ गए हैं राजेंद्र सफरजंग में है, ये बहुत खाना फेमस है, अभी चलते हैं क्या क्या है भैया के पास। और ये दुकान है जहाँ से हम खाते हैं दिन में, दीपक भैया की, दीपक स्नैक्स कॉर्नर। हमने लगवाया अंडा करी और मटन करी, मटन बनाया था एक नंबर, अंडा करी बोला भी था, और गाइस अभी हम आ चुके हैं डियर पार्क के अंदर, और ये हौज खास के अंदर है, अभी बताया था मैंने हौज खास विलेज के अंदर। और ये इसका एंट्री गेट है, किले में जाना है तो दूसरी तरफ से है, ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं, रोज गार्डन भी इसके अंदर बना दिया, जिम भी, डी लेक तो हमने देखी है, रोज गार्डन कब से बना दिया। चलो चलते हैं अंदर, सुबह यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं। हाँ ये देखिए भाई, हिरन आ रहे हैं, और चिंकारा है, चिंकारा बोलते हैं इनको। ये देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, तुम्हारे पास आ गए बिल्कुल, है ना, आ जा भाई आ जा। ओ एक और आया, एक और आया। देखो छोटा काका ओ आ रहा पीछे, तो ज्यादा छोटे नहीं है, बड़े बड़े हैं सारे, बहुत सारे। चलो छोटे कांगे छोटा नहीं है बाबू, छोटा पता नहीं कांग, शेर खा गया। अच्छा जी ये देखिए सारा पार्क बना दिया, भी बहुत अच्छा, पहले सारा जंगल था। छोटा हागा,
तो गाइस ये है झील का व्यू, बहुत बड़ी लेक है और इसमें ग्रीन कलर का पानी मतलब गंदा है पर पानी सही है। पहले इसमें बोटिंग भी चलती थी, अब बोटिंग बंद हो चुकी है, उस साइड से बोटिंग होती थी पहले। पूरा बहुत ही बड़ी झील है, अभी उधर तक घूमती हुई जा रही है यहाँ से। अभी पूरा राउंड इसका लगाएंगे एक चक्कर इधर से घूमते हुए, फिर दिखाएंगे। अभी आगे आगे चल रहे हैं, हम भी चलते हैं। बत्तख दिख रही होगी आपको, ये री एक ये री एक वहाँ है एक वहाँ है। तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा किला कह सकते हैं इसको किला, और ये है इसका नाम है मुंडा गुंबद। खिलजी काल में बनाया गया था ये मुंडा गुंबद, बड़ा अजीब सा नाम है। अब इसमें ज़रा अंदर चलते हैं, ऊपर जाने का भी रास्ता है, वहाँ चलते हैं, वो दिखाते हैं ऊपर से कैसे दिखता है। अंदर एक सिंगर भी है। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, ऊपर से भी दिखाएंगे कैसा है। तो गाइस ऊपर से ऐसा व्यू है, सामने झील ऊपर से, और इसके ऊपर आने के लिए चार रास्ते हैं, ये घेरे कोने कोने पे हैं। एक और एक उधर है, छत टूट चुकी है ना, ऐसे लेंटर डला है पहले टाइम, काफ़ी अच्छा बना रखा है सुबह के टाइम और शाम के टाइम। और बारिश में तो ज़रूर विजिट करना चाहिए यहाँ पे, बारिश के टाइम पता लगे क्यों रहता है, झील का भी और यहाँ का भी। और नीचे कौन है, भाभी और खेल दिए, भाभी सर्वी का टोली तीनों है नीचे। हवा ही बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ, लग रही है हवा सही है, पेड़ है ना चारों तरफ, चार ही पेड़ है वो जी, कनेक्शन दी चारों कोने पे, चार पेड़, एक घेरा और एक घेरा इस कोने पे, और नीचे जाने का रास्ता। और यहाँ बारिश हो रही थी, सोचा मस्त मौसम मिलेगा, पर बारिश बंद हो गई, फिर धूप आ गई, फिर गर्मी लग रही है, पर ठीक है, बारिश में ज़रूर आना चाहिए, चाहे घूमने आओ थोड़ी देर के लिए, पर आओ जाओ। अब यहाँ एक और किला भी है, वो भी दिखाएंगे, काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर एंट्री देखते किस साइड से होगी, काफ़ी बड़ा है, उसमें ना शूटिंग हो चुकी है, धोनी मूवी के किसी सॉन्ग की शूटिंग हो चुकी है थोड़ी सी, वो भी दिखाते हैं, हम चलते हैं नीचे। तो गाइज इस बार जब हम आए हैं तो बहुत ही कम पानी है, पहले ये पानी देख रहे होगा कितना साफ दिख रहा है, ऐसे पानी बिल्कुल साइड बचा हुआ है, उस साइड तो फिर भी था, इस साइड तो बिल्कुल ही सूखा हुआ है। पहले ये पानी पता कहाँ कहाँ तक था, ये पेड़ वेड़ सब डूबे रहते थे, किनारे किनारे तक आता था, अब बिल्कुल ही नीचे पहुँच चुका है, पूरा खाली पड़ा है इधर से पानी की, बड़ा अजीब सा लग रहा है देख के। नहीं इसमें भरा रहता था ना, हवा चलती थी और पानी की ऐसी लहरें उठती थी, बड़ा मज़ा आता था देखने में, पर अब क्या करें, सूख गया तो सूख गया, फिर बढ़ जाएगा बारिश आती, गर्मी भी कम पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। चले आगे अब आपको किला दिखाएंगे। और ये देखिए गाइस यहाँ पर क्लब हैं बहुत सारे, किसी भी क्लब में आप जा सकते हैं। और हम जा रहे हैं किले पर, और ये सारे क्लब हैं, पहले हमने बहुत क्लबिंग की है इधर, जब हम व्लॉगिंग नहीं करते थे उससे पहले हम बहुत आए हुए थे। और ये देखिए गाइस क्लब के बीच में, गांव के बीच में मंदिर, और ये भोले बाबा हनुमान जी, और फिर दोबारा दुकानें शुरू हो गई, बड़ी महंगी महंगी सी मार्केट है। और ये आगे किला, जीरा किला, किले का रास्ता देखते हैं किधर से, सामने से है भाई, कुछ ही पहने हुआ था। ये है गाइस क्लब की एंट्री, इसकी क्या नाम है, किले की एंट्री, ये रही गाइस किले की एंट्री, और देखिए कितना सुंदर बना दिया, ये तो बहुत सुंदर बना दिया भाई, ये देखिए। पहले तो ये बंद था जो हम आते थे पहले,
और ये देखिए कितनी सुंदर ही बना दिया है अभी। और अभी आगे चलते रहेंगे तो दिखाते रहेंगे आपको, चलते आगे। तो गाइस यहाँ से किला चालू हो चुका है, अभी हम कुछ सीक्रेट रस्तों पे गए थे वो बंद पड़े थे, कोशिश तो करिए अंदर जाने की। थोड़े चमगादड़ वगैरह भी थे वहाँ पे, वो बिल्कुल गुप्त अंधेरा, उसके अंदर जाते तो हम दूसरी जगह पहुँच जाते जो जगह बंद है आम लोगों के लिए। खाली भीड़, खाली, हम ही हम मिलते बस वहाँ। अभी हम इन सब जगहों पर जाएंगे, दो मंजिल में बटा हुआ है, अभी हम टॉप फ्लोर पे, एक इसके नीचे भी है। नीचे जाने का पहले अलाउड था। अभी चलेंगे आगे, इस साइड से रास्ता नीचे उतरने का। तो गाइस अंदर से कुछ ऐसा है, बहुत सारे पिलर बने हुए हैं। और यहाँ से आए थे हम अभी इस रास्ते से, और ये बालकनी का व्यू है, सामने झील, लोग बाग घूमते हैं शाम को, सामने झील है, बहुत मस्त है। अभी चलेंगे यहाँ से। और गाइस ये वाली बालकनी है वो जो मैंने बताई थी नीचे से खड़े होकर, वहाँ से बताई थी कि गाने की शूटिंग हुई है धोनी मूवी में, वो ये वाली बालकनी थी। यहाँ पे बैठते थे पहले, पैर लटका के उधर सामने से व्यू के मजे लेते थे, पर अभी हम यहाँ पे ये रखती है लाके, कोई उस साइड जा ही नहीं सकता। पहले खूब बैठे हम यहाँ पे आराम से, आगे अभी इधर की साइड चलेंगे। अभी सीढ़ियाँ, इनसे चलते नीचे, नीचे पूरे में ये इलाके बने हुए हैं, खुफिया रास्ते हैं ये। तो गाइस ये रहा सेकंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गया वो, अब जा रहे हैं अंदर, देखते क्या अंदर। बेसिकली यही कमरे बनाए हुए हैं बस अंदर यहाँ पे ऐसे, यहाँ से बालकनी व्यू लो बाहर बैठ के, आवाज भी गूंज रही है। और यहाँ थोड़ा खुला है, यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठ जाओ आराम से, आराम से बैठो यहाँ, यहाँ देखो मजे नज़ारे एकदम। तो गाइस ये रे खुफिया रास्ते और कमरे बना रखे हैं, कमरे इनके अंदर कुछ नहीं है, खाली है बस ऐसे है, शायद कैदी रहते होंगे पहले यहाँ। अब यहाँ एक कमरा और है, इसके अंदर बहुत कुछ है, इसमें तो लगा रखा पेज ऊपर जाने का, सीढ़ी तालों का पैसा बचा के पेच लगा रखे गाइस इन्होंने। ओ बेटे यहाँ से टूटा पड़ा है, पहली मंजिल दिख रही है, खाली है, टूटा पड़ा, अंदर पिलर बना रखा है लास्ट सेम वही। इधर तो ताला लगा रखा, गंदगी देख के तुम्हें सेम वही सीढ़ी भी जरा, इधर बालकनी है, ये बालकनी में निकल गया हम, पूरा रास्ता है इधर बालकनी है, इधर से ये नसाइडी कैसे पड़ा है। चित पड़ा है बंदा, सूखे नशे मार कर रहा। और यहाँ बिल्कुल खुला इलाका है एकदम, टूटा हुआ है ना सब कुछ, टूटा हुआ कमरा है अंदर ही, रास्ता बंद बट कमरा है, कैसा कमरा है कुछ भी नहीं है, अंदर खाली, यहाँ एरा, यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ, यहाँ से नीचे जाने की सीढ़ियाँ, नीचे का रास्ता ही नहीं। तो गाइस टॉयलेट भी बना दिए, अब पहले टॉयलेट नहीं थे, अब दे दिए फैसिलिटी, इधर जेंट्स है, इधर महिला बंद है, उधर महिला, इधर जेंट्स का, इधर महिलाओं का दूसरी साइड में। अच्छे हैं, सड़ांध मार रही है पर इनमें भी। तो गाइस हम जा रहे थे घर, और हमें दिख के आया मोर, ये मोर बचा है सोर, ओ बेटे, और ये मोर तो कुछ कर रहा है, ये तो कुछ कर रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में नीचे से, काफी टाइम बाद देखा, पैर खराब।
नानी के यहाँ बैठ गई तो सीखे बैठे बैठे। तो गाइस फाइनली आज का ये टूर था हमारा, खामा खाई का जो भी लोग बनाए ऐसे बनाए बारिश का देख के, पर अब बारिश के बाद यहाँ आ गए, फिर सोचा आपको औकात भी दिखा दें। तो अब चलते हैं और देखते हैं, अगर कहीं कुछ खाने वाने का प्लान बना तो देखते हैं, नहीं तो फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके बता दें कैसे लगे हमारी वीडियो, बाद में मिलते हैं फिर। और अगर आना हो तो सर्दी में या फिर बारिश के टाइम यहाँ के विज़िट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।